Students, this is your 7th class science and today we are going to start with our new chapter, that is chapter number 5th, acid, bases and salt. So let us start. See, we use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. Do they have the same taste? Kya sabke taste same hote hain? No. They, let us recall tests as some edible substances listed in the table 5.1. If you have not tested any of these substances, taste it now and enter the result in table 5.1. So you have to taste all these substances and answer this in this column whether they are sour, bitter or any other taste is there. Okay. So, caution, do not taste anything unless asked to do so. जितना इसमें दिया है इन्हीं चीजों में से आपको टेस्ट करना है, कुछ और टेस्ट नहीं करना है. Do not touch anything unless asked to do so. हर किसी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि सब हार्मफुल भी हो सकते हैं. ठीक है. So, lemon juice, how it taste? Sour. ठीक है. Orange juice, सोर. विनेगर, सोर. ये सारी चीजें क्या है? खट्टी है. दही भी सोर है. टैमरिन, सोर. शुगर कैसा है? स्वीट. ओके. कॉमन सॉल्ट, इट इज सॉल्टी. आमला, इट इज सोर. बेकिंग सोडा, बिटर. क्लियर. ग्रेप्स, सोर. अनराइप मैंगो, कच्चा आम यहाँ पे आएगा, सोर. कुकुम्बर, इट इज वाटरी टेस्ट. ओके. Not it will no, it is not sour, not bitter, not salty. Okay, it is little bit sweety, so it is we will count it in sweet. Okay, so you find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty. Okay, so now start with the acids and bases. Curd, lemon juice, orange juice and vinegar taste sour. सब क्या थे? खट्टे थे. ठीक है. दिस सब्सटेंस टेस्ट सोर. क्यों खट्टे आ रहे थे? क्योंकि दे कंटेन एसिड्स. उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट था? एसिड. द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस एसिडिक. तो उनका बिहेवियर कैसा है? एसिडिक है. द वर्ड एसिड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड. एसिड कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड में से एसर. ठीक है. विच मीन्स सोर, जिसका मतलब होता है खट्टा. तो इसी वजह से यहाँ पर जो चीजें हैं, खट्टी चीजें हैं, उनमें क्या प्रेजेंट है? एसिड कहा गया है. ठीक है. एसिड वर्ड कहाँ से आया है? एसर. एसर का मीनिंग होता है सोर, खट्टा. द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड. तो ये सारे फूड क्या है, हमने जितने भी चीजें देखी ये सब क्या है? खाने वाली चीजें हैं. ठीक है. नेचुरल है. और इन सारी चीजों में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो कैसा एसिड होता है? नेचुरल एसिड. व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या वो खट्टा होता है? नहीं. ठीक है. सॉल्टी होता है? नहीं. थोड़ा सा वो बिटरनेस रहती है उनमें, कड़वाहट सी रहती है. डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? नो. इफ नॉट, वॉट इज इट्स टेस्ट? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर, इट मीन्स डेट इट हैज नो एसिड इन इट. अगर उसके अंदर सोर टेस्ट नहीं है तो इसका मतलब उसके अंदर एसिड नहीं है. इट इज बिटर इन टेस्ट. कैसा है? बिटर इन टेस्ट. इफ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर. ठीक है. अगर सोडा में थोड़ा सा वाटर डाल के सोल्यूशन बना के फिंगर्स के बीच में, पाम के बीच में रब्स करेंगे तो आपको सोपी है ना, स्लीपरी टच हो लगेगा उस. ठीक है. हाथों के बीच में. जनरली सब्सटेंसेस लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नॉन एस बेसिस. तो ऐसे चीजों को जो कि सोपी टच देता है उन्हें कहते हैं बेसिस. द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक. तो इनका नेचर कैसा? जिनके अंदर बेस होता है उनका नेचर बेसिक होता है. जिनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है उनका नेचर एसिडिक होता है. क्लियर. इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अगर हम सारे सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो क्या हम उनके नेचर को कैसे पहचानेंगे? सो स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. तो कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के सब्सटेंस आते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं. These substances are known as indicators. तो ऐसे चीजों को क्या कहा जाता है? ये स्पेशल सब्सटेंस को जो एसिड और बेस को बताते हैं कि ये एसिड है ये बेस है, उन्हें कहा जाता है इंडिकेटर्स. क्लियर.
The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or basic substance. तो indicator क्या करते हैं, जब भी वहां पर acid और base रखा होता है तो उनमें हमें पता लगाना होता है कि कौन सा acid है कौन सा basic है, तो क्या करते हैं indicator यूज करते हैं. indicator क्या करता है, या तो acid या तो base या दोनों के साथ ही color change करता है. ठीक है. then turmeric फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे टर्मरिक सॉल्यूशन भी इंडिकेटर है. लिटमस, चाइना रोज पेटल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर. तो ये सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं. क्लियर. हियर यू कैन सी नेम ऑफ एसिड, सम एसिड नेम आर गिवन एंड वेयर दे आर फाउंड. ठीक है, कहाँ एसिड का नाम दिया है और कहाँ वो मिलते हैं वो दिया हुआ है. एसिडिक एसिड कहाँ मिलता है, विनेगर में. फॉर्मिक एसिड एंड जो चीटियां काटती है ना एंट स्ट्रिंग में, कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड. सिट्रिक एसिड कहाँ होता है, खट्टे फ्रूट्स में. लैक्टिक एसिड कहाँ होता है, कर्ड में, दही में. ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच, पालक में. ठीक है. एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ मिलता है, विटामिन सी, आंवला और सिट्रस खट्टे फ्रूट्स में. देन टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड में, ग्रेप्स एंड कच्चे आम में. नाउ बेस देख लेते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलता है, लाइम वाटर यानी चूना वाले पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है जो कि एक बेस है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलता है, विंडो क्लीनर में. जो हम विंडो क्लीनर यूज करते हैं उनमें, उसमें क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे सोप डिटर्जेंट में क्या डाला होता है, किससे बने होते हैं सोप और डिटर्जेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज मेड ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. क्लियर. नाउ नेचुरल इंडिकेटर्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, इसके जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. लिटमस अ नेचुरल डाई. ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं. इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर. लिटमस क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, जिससे हम पता लगाएंगे कि अगर दो सब्सटेंस रखा है उनमें से एसिड कौन सा और बेस कौन सा है. ओके, द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस. तो सबसे ज्यादा कॉमनली जो यूज किया जाता है वो कौन सा है, यहाँ पर लिटमस. इट इज एट्रैक्ट फ्रॉम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लीचेस. कहाँ से मिलता है, लीचेस से मिलता है. ठीक है. इट हैज मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर. डिस्टिल वाटर में इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर. व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब इस पर्पल कलर का जो ये सॉल्यूशन है, ठीक है, वो जब एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो इट टर्न्स रेड. कैसा बन जाता है, रेड. एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन, जब बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो कैसा हो जाता है, इट टर्न्स ब्लू. कौन से कलर में हो जाता है, ब्लू. यानी कि यहाँ पे देखिए, रेड किसके साथ दे रहा है, एसिड के साथ रेड कलर, और बेस के साथ ब्लू कलर दे रहा है. यानी यहाँ देखिए इंडिकेटर का काम कर रहा है, जब भी वो एसिड में डिप होगा रेड कलर देगा और बेस में डिप होगा ब्लू कलर देगा. ठीक है, इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि सब्सटेंस जो हमें मिले हैं वो एसिड है या बेसिक है. इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स पेपर. ठीक है, तो दोनों ही तरह से ये अवेलेबल है, या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में या तो पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में. ठीक है, नोन एज लिटमस पेपर. तो जनरली हम जो स्कूल में यूज करते हैं दैट इज लिटमस पेपर. यू कैन सी लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर. क्लियर. इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. दिस इज लीचेन. लीचेन का है, इससे हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं. गर्म पानी में उबाल के इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है. ठीक है, इसको स्ट्रिप में भी फॉर्म कर दिया गया है जो कि स्कूलों में अवेलेबल होता है. आई विल शो यू इन अवर लैब व्हेन स्कूल स्टार्ट्स. ओके, सो मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको ये सारी टेस्ट स्कूल में कराऊंगी. तो अभी ये जो रेड लिटमस पेपर है, जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, नो चेंज विथ एसिड. ठीक है, लेकिन जब बेस में डालेंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, बेस में जैसे ही डिप करेंगे तो बेस किसमें टर्न हो जाएगा, रेड टू ब्लू. ठीक है,
कोई चेंज एसिड में डालेंगे रेड स्ट्रिप तो रेड ही रहेगा, लेकिन बेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा ब्लू। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि दो अगर सॉल्यूशन रखा है हमने, एक में एसिड एक में बेस है, जो हमें पता नहीं है, तो जो भी इस जिसमें अगर इसमें हमने रेड डाला, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया तो हमने बता दिया कि ये क्या है, विच सॉल्यूशन इज दिस, इट इज अ एसिड, ठीक है। और अगर इसमें डिप किया और इसमें ब्लू हो गया, इसका मतलब ये कौन सा है, ये है बेस है, ठीक है। सिमिलरली इफ वी आर यूजिंग दिस ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, अगर ब्लू लिटमस पेपर यूज कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, इसका अपोजिट, ठीक है। अगर एसिड में इसको डिप करेंगे तो ये रेड हो जाएगा, अगर ब्लू से रेड हो जाता है तो ये हो जाएगा एसिड, ठीक है। इसका मतलब वो सॉल्यूशन कौन सा है, एसिड, और बेस में इसका कोई चेंज नहीं आएगा, बेस नो चेंज, क्लियर। सो दिस इज इन दिस वे इंडिकेटर एक्ट करते हैं, क्लियर। नाउ स्टूडेंट नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर, सो यू हैव टू परफॉर्म द एक्टिविटी एंड सी द कलर चेंजेस, वी विल डू दिस इन अवर लैब, ओके। नाउ परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, सो हियर सम सब्सटेंसेस आर गिवन फ्रॉम विच यू हैव टू डू द सेम एक्टिविटी, ओके। टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक्स, सॉप soap solution, shampoo, common salt solutions, sugar solution, vinegar, baking soda solution, milk of magnesia, washing soda solution, lime water, if possible make solution in distilled water. So आपको इन सभी का solution बनाना है and you have to check whether they are acid or basic, okay. Record your observation in the table 5.2. So you have to record your test in this table, okay. Now in your table are there any substances on which litmus had no effect, name those substances. तो इन सारे सब्सटेंस में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं क्या जिनके अंदर ना एसिड पर रिएक्शन हुआ है ना बेस पर रिएक्शन हुआ है, ठीक है। द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड टू ब्लू, रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशन। तो जिस सोल्यूशन में ना तो रेड आइदर रेड ने अपना कलर चेंज नहीं किया ना ही ब्लू नहीं किया तो वो सोल्यूशन कहलाता है न्यूट्रल सोल्यूशन, क्लियर। दीज सब्सटेंसेज आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ऐसे सब्सटेंस ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, क्लियर। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, ओके। सो टर्मरिक क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि पेल येलो कलर देता है विथ एसिड एंड डार्क रेड देता है विथ बेस सॉल्यूशन। सो उसी के बेस पर एक एक्टिविटी यहाँ पे दी है, ठीक है, कि आपको एक्टिविटी करना है। सो आई विल शो यू इन द एक्सपेरिमेंट, क्लियर। Now similarly test the solution listed in the table 5.3 and note down your observation. You may try solution of some other substances also. China rose is an indicator, ठीक है। ये जो गुड़हल का फूल होता है वो भी एक इंडिकेटर होता है जिसे चाइना रोज कहते हैं, ठीक है। सो चाइना रोज एसिड, चाइना रोज क्या है, चाइना रोज को क्या करना है, ये बॉइल करना है, ठीक है, और उसका जो जूस बचता है उसको एज ए इंडिकेटर यूज करना है, ठीक है। यू कैन डू इट एट योर होम ऑल्सो, क्लियर। सो आप चाइना रोज का इंडिकेटर बना सकते हैं और उसके साथ फिर लेमन जूस यूज करके या विनेगर घर में रहता है वो यूज कर सकते हैं, उसके साथ कलर चेंज देख सकते हैं। सोप सॉल्यूशन के साथ आपको ग्रीन कलर मिलेगा, ग्रीनिश कलर मिलेगा और यहाँ पे रेड पिंकिश कलर मिलेगा, क्लियर। सो यहाँ पे देखिए इफेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो टर्मरिक सॉल्यूशन के साथ आपको इन सभी को टेस्ट करके देखना है, लेमन जूस के साथ क्या कलर मिलता है, ऑरेंज जूस के साथ, यहाँ जितने भी एसिड है सबके साथ पेल येलो मिलेगा और जो बेस है, ठीक है, उनके साथ क्या कलर मिलेगा, उनके साथ आपको कलर मिलेगा डार्क रेड, ठीक है, और जो न्यूट्रल है उनके साथ कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। सो हेयर इन दिस टेबल अगेन यू हैव टू टेस्ट द सेम शैम्पू, लेमन जूस, सोडा वाटर, सो यू हैव टू टेस्ट द सेम विद द इनिशियल कलर एंड फाइनल कलर चेंज आपको देखना है, ठीक है। टर्मरिक के साथ क्या है और यहाँ पे देखना है कि एसिड और बेस जो भी है यहाँ पर उनका कलर, फाइनल कलर, इनिशियल कलर क्या था, पहले का कलर क्या था और टर्मरिक सोल्यूशन डालने के बाद कलर क्या हुआ वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। देन सी
collect some China rose petals and place them in a beaker. Add some warm water that I have already discussed with you with this figure. Keep the mixture for some time till water becomes colored. ठीक है, क्या करना है, वार्म करना है चाइना रोज के साथ. यूज द कलर्ड वाटर एज इंडिकेटर. एड फ्यू 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन द टेबल 5.4. ठीक है, तो अब 5.4 में ये चाइना रोज सॉल्यूशन इसमें यूज करना है और इनिशियल और फाइनल कलर देखना है. ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर एज एन एसिडिक indicator on the acidic, basic and neutral solution. China rose indicator turns acidic solution to dark pink and basic solution to green. ठीक है, तो यहाँ पे initial color लिखना है, इनका initial color कैसा था और final color कैसा है. ठीक है, तो initial color shampoo है, shampoo क्या है, it is a base, so it will give which color, green color. Lemon juice is an acid, it will give pink color or magenta pink. Soda water, it is also a base, sodium hydrogen carbonate base, vinegar, acid, so sugar solution, no color change because it is a neutral. Common salt solution, it is also a neutral, so no color change will be there. Clear? Then here there is another activity, we will do it in the class with the sum. Hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxide. Okay, demonstrate the effect of 3 indicators on each of these solutions. So many solutions are given, बहुत सारे acidic solution दिए है, basic solution दिए है, और उन पर हम क्या करेंगे, indicator test करेंगे. That we will do it in our lab. Okay, now the neutralization reaction. Clear? So neutralization reaction, acid जब भी बेस के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, salt and water. So this reaction of acid plus base, okay, is known as neutralization reaction. Clear? Let a student do an activity. Okay, so here we are going to see the turmeric as a natural indicator, how it works. Okay, so ये work कैसे करता है, natural indicator है ये हमने देख लिया. ठीक है, लेकिन कैसे work करता है, that we will see. Okay, so here I have taken the lemon juice in this. Okay, and I am going to add some water in this. Okay, so just to make the volume more. Okay, so मैंने थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड कर दिया है जस्ट उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए. ठीक है, देन इसमें मैंने लिया है, ये आपको पता है लेमन जूस है, लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है. ठीक है, तो ये एक एसिड का काम करेगा. क्लियर, नेक्स्ट वन इज ये हमने सोप डिटर्जेंट जो है वो बेस से बनता है, इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं डिटर्जेंट पाउडर लिया है मैंने. ठीक है, वॉशिंग पाउडर, और इसमें सॉल्यूशन में बनाने जा रहे हैं इसका. क्लियर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन. This is our acid, this is our base, and this is turmeric, and I am going to make it solution of that. This is turmeric solution. Clear? Now, here it is an empty glass. Clear? So, let us see first. This is acid. Okay? When I am adding this turmeric solution, see the color change. See the difference in color. This is pale yellow, this is dark yellow. Okay, so with acid the color has turned into a pale color. Clear? This is the indicator, acid indicator. Clear? Now I am changing it. Now in this I am adding this base. See, with base it is a dark red color. Okay, it gives dark red color with the base. Clear? So now you might understand how the it works. Okay, turmeric solution. Okay,
It is a natural indicator and it will give red, dark red color with the base and pale yellow color with the acid. Okay. So this was about the color. Okay, turmeric solution. Okay. Now one more thing I am going to show you. Okay. What happens if acid and base reacts with each other? Okay. So when acid and base reacts with each other, clear? Now this is an empty glass. I am pouring it some base and some acid. See there it. Okay. मैंने इसमें एसिड डाला है, बेस डाला है, क्लियर? So this is a neutralization reaction. See. This is a neutralization reaction. Clear? We will do this in our lab also. Clear? Neutralization reaction. यानी कि जब acid water के साथ मिलता है, ठीक है, react करता है, तो क्या बनाता है? Water and salts. तो अब ये क्या बना? ये एक neutral solution बन गया है. क्या बन गया? Neutral solution जिसमें salt and वाटर आ गया है. ठीक है, अब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया है. इसलिए एसिड बेस जब मिलते हैं तो वो एक सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है. ठीक है, जिसमें सॉल्ट प्लस वाटर ऐड होता है. सो दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन.